सर नहीं, ये देखिए साहब, ये तो उसको बिठाने के लिए, चेंज करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ये सब जो फोटो लगते हैं उसके लिए एक कमेटी होती है, और वो कमेटी में अपोजिशन लीडर भी होता है, दूसरे मेंबर्स होते हैं, आप होते हैं, और स्पीकर होते हैं, और किस जगह पे बिठाना, कैसे बिठाना, वो मीटिंग करने के बाद होता है। ये मीटिंग नहीं, कुछ नहीं, ये अथॉरिटी एंड रूल के जैसा, कहीं भी लिटाओ, कहीं भी उठाओ, कहीं भी बिठाओ। सर ऑनरेबल मिस्टर के जी, यू डोंट हैव टू डिसाइड, आई डिसाइड। ये खड़गे जी, व्हाट इज इट, कम ऑन, कम ऑन, मेक योर पॉइंट। ऑनरेबल चेयरमैन सर, नथिंग एज यू गोइंग टू, ये किरण जी कंटिन्यू सर, जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाते हैं उसका रेस्पॉन्ड करने का एक प्रथा होता है, इसकी ये इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे मत कहिए, ये दिस इज अ कल्चर ऑफ द हाउस। व्हेन लीडर ऑफ अपोजिशन रेजेस इम्पोर्टेंट मैटर, गवर्नमेंट हैज टू रेस्पॉन्ड, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं करना चाहिए। सर लीडर ऑफ अपोजिशन एक, आप सुनेंगे तो पता चलेगा ना, आप सुनेंगे मिस्टर तिवारी, यू आर फोर्सिंग मी टू नेम यू पीपल, आई हैव गिवन हिम परमिशन, एंड लेट मी टेल यू वन सेकंड, प्लीज टेक योर सीट सर। किरण जी टेक योर सीट। ऑनरेबल मेंबर्स, व्हेन देयर इज अ डिबेट इन द हाउस, द डिबेट हैज टू बी लाइवली, द डिबेट हैज टू बी इन्वॉल्व, लीडर ऑफ द अपोजिशन इज मेकिंग रिमार्केबली अ गुड स्पीच, if there is an intervention required, one sec, you don't have to decide, I am the judge of it, come on Kiran ji, Kiran Riju ji. Honorable chairman sir, abhi mananiya Kharge ji, leader of opposition ne sansad mein jo statues ko sara statues ko ek jagah mein rakh karke prerna asthal ke naam se jo banaya gaya usko lekar ke sawal khada kiya। मैं सिर्फ क्लियरिफिकेशन देना चाहता हूं सर, आपने अभी अभी हाउस को बताया कि आप चीफ गेस्ट के तौर पर आप वहां आए और आपने उद्घाटन किया, उसमें ऑनरेबल स्पीकर ऑफ लोकसभा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो करते हैं, उनके अध्यक्षता में काम हुआ, मैं भी सर उस समय मौजूद था। मैंने सबसे पहले तो करके एक मिनट, अरे एक मिनट या सर, तो खड़गे जी ने अभी एलिगेशन लगाया कि सारा मूर्तियों को उठा के कॉर्नर में फेंक दिया है। वो सर पुराना पार्लियामेंट एक राउंड शेप है, वहां कोई कोने नहीं होते हैं, वो पार्लियामेंट जो राउंड है और उसी राउंड के अंदर में बहुत ही खूबसूरत जगह में प्रेरणा स्थल का वहां जगह तय किया, और बहुत सम्मानजनक, बहुत ही अप्रोप्रिएटली, सही तरीके से मूर्तियों को रखा है, और आज देश का कोई भी जनता संसद में आकर के संसद को देखना चाहते हैं तो हमारे महान आत्माओं का दर्शन एक जगह में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी तरीके से किसी मूर्ति, किसी महान आत्मा, हमारे जो जिन्होंने इस देश को रास्ता दिखा के यहाँ तक पहुँचाया, किसी का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करने का तरीका को और बढ़ाया गया है, इसलिए मिसलीड नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन सर, देखिए मन सर, प्लीज 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 प्लीज, योर एंटायर ट्राइब गेट्स अप, आई वांट एवरीवन टू टेक सीट। देखिए और खड़गे जी, पार्लियामेंट के बारे में एक बात कही गई थी कहीं कि इसमें देर इज नो बैकडोर एंट्री इन पार्लियामेंट, इफ यू लुक एट द बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट, इट हैज बीन सो डिजाइंड दैट देर इज नो बैकडोर एंट्री। ठीक है, देखिए देखिए रिजू साहब जो बोले, हाँ मैं उनसे विनती करता हूँ कि रिजू जी, लीडर ऑफ द पोर्शन, आप लेट अस हियर, जो स्टैच्यू बिठाए हैं कौन से लोग उसके लिए लड़े हैं और किस स्थल पे बिठाना, ये उसी वक्त तय हुआ सो है। आप अगर बदल के एक ही जगह हम लाते हैं
और महात्मा गांधी जी को और दूसरे लीडर्स को भी मेरी इज्जत है, लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ कहीं और उनको भी बिठाते हैं? नहीं नहीं, और बाबा साहब अंबेडकर का सामने बिठाना ये तय हुआ था और वही जगह पे बिठाता है। तुमने हर एक बात को ऐसा कर देते हो कि किसी को हम क्रिटिसाइज करें, किसी को अलग करें, ये बात आप करते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि उनको एक कमिटी के बारे में मालूम नहीं है। आप पढ़ के देख कर कौन से मेंबर्स हैं, उनका सब सलाह लेके उसके बाद उसी जगह पे आप उनको बिठाइए। सर ये तो मैं आपसे बार बार विनंती करूँगा। सर प्रधानमंत्री जी ने अभी कहा कि इस वक्त पीपल वांट सब्सटेंस नॉट स्लोगन्स। पिछले 10 सालों से विपक्ष आपको यही कहता है कि कुछ काम भी कीजिए, महज नारेबाजी मत करिए। तो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही आप तक सीधा हम पहुंचा रहे